पीछे भी जितने प्रेत रोगी हैं सेनापति जाओ सबकी दुर्दशा करो मार मार के। राम, क्या आपको पता अगला दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार का कहाँ है? क्या आपको पता है इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार धाम पर दिव्य दरबार क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार को क्या हुआ है? क्या आपकी समस्याओं का समाधान अब नहीं होगा? क्या परम पूज्य गुरुदेव आ गए अब कथा नहीं करेंगे? आइए वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। जी हाँ मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में आप हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं। धाम पर भगत नाच रहे झूम रहे हैं, मगर एक भक्त का जन्मदिन था आज, तो गुरुदेव ने आज जन्मदिन रात के 12 बजे ही मना लिया गया। जी हाँ मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों धाम पर ही हैं और बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जरूर लगेगा जहाँ भी कथा होगी। और जल्दी ही फिलहाल में आपको कथा का जल्दी खुशखबरी मिलेगी और धाम पे भी दिव्य दरबार रहेंगे जब गुरुदेव रहेंगे। हालांकि मैं बताऊं आपको, मैंने जैसे बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जब जब धाम पर रहते हैं तो 3 घंटे का दिव्य दरबार लगाया जाता है, तो इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार 3-4 दिन हो गए हैं भोपाल से आने के बाद, अभी एक बार भी दिव्य दरबार नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? देखिए सामूहिक अर्जी तो लगी है परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने, मगर वीडियो नहीं चल पाई हैं और नहीं भक्तों के पास वीडियो हैं। मगर आपको बता चलूँ परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की मैं वीडियो अपने चैनल के माध्यम से सभी अपडेट लाते रहता हूँ। एक विशेष सूचना है, अगर आप परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से स्नेह करते हो, प्यार करते हो, उनको गुरुजी मानते हो और उनकी चर्चाएं पूरे संसार में होनी चाहिए और डंका बजना चाहिए, तो आप ही पहले सबसे स्टार्ट पहले कर दीजिए। अगर चर्चाएँ कोने कोने में मतलब गुरुदेव की पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 5 जनों को शेयर जरूर करें, एक एक बंदा हर ग्रुप में इस वीडियो को डालें, ठीक है? मैं तभी समझूँ आप गुरुजी की चर्चाओं को कोने कोने तक पहुँचाना चाहते हो। मैं बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के मंगल काज होते रहें। भक्तों की शादी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, शादी बच्चों की नहीं हो पा रही है, लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं लग पा रही है, कारोबार सही से नहीं चल रहा है, पति शराब पीता है, हमारी समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है, हम दरबारों में भटकते जा रहे हैं, कथाओं में जाते हैं, पर्चा नहीं बन पाता, बागेश्वर धाम सरकार की भी कथा में बहुत बार गए हैं। आप ऐसा मत सोचिए, आप नित्य ही पूजा करना